शुक्र 18 जनवरी 2024 को धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कैसे इनका प्रभाव मिलेगा आप सब लोगों को, इसी विषय पर बात करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों का अपने चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में बहुत स्वागत करती हूं और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत थैंक्स बोलती हूं। इसी के साथ नए वर्ष की आपको बहुत शुभकामना, बहुत ढेर सारी बधाई। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। देखिए, शुक्र जो ग्रह हैं, बड़े सुंदर से ग्रह हैं और इनके पास वृषभ राशि और तुला राशि का आधिपत्य होता है। ये धन देते हैं, परिवार देते हैं, सुख देते हैं और व्यक्ति के जीवन में जो उसका दाम्पत्य सुख होता है, पति पत्नी और जो जीवन के भागीदार होते हैं उन सब चीजों को देते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इनके पास लॉर्डशिप है, ये सब चीज लेकर के ये गुरु की मूत्रिकोण राशि धनु में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि अग्नि तत्व राशि होती है। और शुक्र जो स्वयं में जल तत्व राशि का ग्रह है, जल तत्व स्वभाव का ग्रह है, संवेदनशील ग्रह है, सौम्य है, सुंदर है, प्रेम करना जानता है, रचनात्मक ग्रह है, ये सौम्यता है इसकी के साथ में। इसमें बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है, विवेक है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं शुक्र के पास में। और ये राक्षसों के गुरु भी हैं। एक गुरु दूसरे गुरु के घर में प्रवेश कर रहा है, जहां पर इनको पहले से बैठे हुए मंगल और बुध भी मिलेंगे। तो क्या स्थिति रहेगी इनकी? अगर आप इनको केंद्र त्रिकोण के आधार पर देखते हैं तो दूसरा भाव दूसरी राशि और सातवीं राशि, सातवां भाव तुला, मतलब कि केंद्र स्थान, तीसरा केंद्र स्थान और धन की लॉर्डशिप लेकर के ये तीसरे त्रिकोण भाव में जा रहे हैं। तो केंद्र और त्रिकोण की दृष्टि से तो इनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, शुभ होगी, योग कारक स्थिति होगी। तो जिन लोगों के लिए शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही होगी, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ साथ जो शुक्र ग्रह है, यहाँ पर जब ये प्रवेश करेंगे तो इनको तीन नक्षत्रों से होकर के निकलना पड़ेगा। सबसे पहले ये मूल केतु के नक्षत्र से जाएंगे, उसके बाद फिर इनको अपना खुद का नक्षत्र मिलेगा पूर्वाषाढ़ा, जो कि बड़ी अच्छी स्थिति होगी और वहां पर ये खुल करके अपना रिजल्ट दे पाएंगे। फिर लास्ट में ये उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र से जाएंगे, जो कि इनके शत्रु होते हैं। लेकिन उत्तराषाढ़ा भी जो है सिंह राशि को गवर्न करता है, मतलब कि सूर्य की जो राशि पड़ेगी वो तो सिंह पड़ेगी। तो स्वभाव भले ही नहीं मैच करे सूर्य का और शुक्र का, लेकिन भाव के तो परिणाम करेंगे ना यहाँ पर शुक्र। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि जब शुक्र धनु में रहेंगे तो गुरु मेष राशि में बैठ करके शुक्र के ऊपर दृष्टि डालेंगे, नौवीं दृष्टि से शुक्र को देखेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, मतलब कि अब यहाँ पर जो शुक्र का प्रभाव रहेगा उसमें गुरु के भी शुभत्व आ जाएंगे। मतलब कि शुक्र में जो भौतिकता है, जो बहुत लग्जरी है उनके अंदर, बड़े जो अच्छे से रहना चाहते हैं शुक्र ग्रह, मतलब कि शुक्र प्रधान है लोग, अब जब उनको गुरु भी देखेंगे तो उनकी सारी चीजों में एक प्योरिटी आ जाएगी, एक सौम्यता आ जाएगी, एक जो बड़ा अच्छा सा धर्म को लेकर के जो एक रुझान होता है वो भी शुक्र में आएगा। क्योंकि शुक्र है तो गुरु ही ना, ज्ञान के ही ग्रह हैं और साथ में धन संपत्ति लग्जरी भी दे देते हैं। तो अब गुरु से भी दृष्ट हो जाएंगे, तो गुरु के भी जो अच्छाइयां हैं वो शुक्र के अंदर प्रवेश कर जाएंगी, इस तरह से समझिए। और चूंकि यहाँ पर मंगल भी बैठे हैं, जो कि काल पुरुष के पहली राशि मेष और अष्टम वृश्चिक को लेकर के चलते हैं, साथ में बुध भी हैं, बुध जो है मिथुन और कन्या को लेकर के चल रहे हैं। तो शुक्र यहाँ पर देखा जाए तो बुध के साथ में जो है, बुध और शुक्र की जो युति है वो अपने आप में अच्छे रिजल्ट देती है। फिर शुक्र और मंगल का धर्म त्रिकोण में, नौवें धर्म त्रिकोण में एक साथ जो प्रभाव रहेगा तो उसका भी इनडायरेक्ट जो प्रभाव है वो शुक्र के ऊपर पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो शुक्र का ये राशि परिवर्तन है, यहाँ पर शुक्र बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर के अपने रिजल्ट्स नहीं देंगे, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये गुरु से प्रभावित तो होकर के ही परिणाम देंगे। तो आप लोगों को इसको लेते टाइम, समझते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी लग्न राशि है या जो भी आपकी चंद्र राशि है, उन दोनों से आप सुन सकते हैं। अगर नहीं पता है ऐसी स्थिति में आप अपने
नाम के अक्षर से जो आपकी राशि बनती है उसको चेक कर लीजिएगा, उसी के आधार पर प्रेडिक्शन समझ लीजिएगा। लास्ट में आपको शुक्र के थोड़े उपाय भी बता दूंगी जिससे आप इनके मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट्स को ले पाए। और ये जो गोचर रहेगा शुक्र का, छोटे टाइम पीरियड के लिए रहता है क्योंकि बहुत जल्दी ये राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन कम समय में भी जिनके लिए योग कारक होते हैं शुक्र, जैसे कि तुला के तो लग्नेश ही होते हैं, वृषभ है, मकर वाले लोग हैं, कुंभ है, या जिनके लिए भी केंद्र त्रिकोण के स्वामित्व में आ जाते हैं, उन लोगों को अच्छे प्रभाव दे देंगे। और दूसरा जिनकी दशाएं चल रही होंगी शुक्र की, तब ये छोटा सा समय भी आपको बहुत बड़े परिवर्तन दे सकता है। वो निर्भर करता है कि आपके नेटल चार्ट में शुक्र की क्या स्थिति है और आपके दशांतर प्रत्यंतर वगैरह क्या चल रही है, क्योंकि फाइनल जो कुंडली में प्रभाव आते हैं वो आपके नेटल चार्ट से ही आते हैं। ट्रांजिट उसमें 30-35% के करीब अपना प्रभाव डालता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए। शुक्र आपके 9th हाउस में आ रहे हैं, 2nd और 7th की लॉर्डशिप लेकर के, बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आपका व्यापार, बिजनेस, धन की प्राप्ति और जितने भी रचनात्मक कार्य होते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, शेयर हो, बच्चे से जुड़े कार्य हो, प्रेम संबंध हो, इन सब चीजों का आपको लाभ करवाएंगे शुक्र यहाँ पर बैठ करके। और ये समय उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो आईटी सेक्टर से जुड़ करके कोई भी काम करते हैं, चाहे आपकी स्टडीज हो या फिर आपका कुछ भी ऐसा काम जो कि सेल्स टू ट्रेवल्स मार्केटिंग या शुक्र रिलेटेड जो स्टडीज होती हैं उनसे जुड़ा हुआ है, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग का आप कोर्स कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में जो कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई स्टडीज होती हैं, उन सब लोगों के लिए भी ये शुक्र अच्छे रिजल्ट दे देंगे। आपको ये टूर ट्रेवल्स मास मीडिया आईटी से जुड़े हुए जो काम है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ करके कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे यहाँ पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और फाइनली ये गोचर आप लोगों को फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट कर देगा, पैसे आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, आपका जो व्यापार है बिजनेस है उस व्यापार में उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। ये ट्रांजिट आपके लाइफ पार्टनर के लिए काफी अच्छा है, उनके लिए कुछ जर्नीज हो सकती है और उस जर्नी के बाद उनको फाइनली जो है पैसों का भी लाभ हो जाएगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए, और एक चीज और भी रहेगी मेष के लिए कि जो ये शुक्र का ट्रांजिट है ये आप लोगों को थोड़ी बहुत यात्राएं भी करवा सकता है अपने बिजनेस की वजह से, ऐसे भी चांसेस आपके लिए बनेंगे। फिर वृषभ के लिए बात करते हैं तो आपके 8th हाउस में शुक्र आ रहे हैं, लग्नेश होकर के, छठे के मालिक होकर के। देखिए 8वें भाव से जो शुक्र का गोचर होता है ये आपको पैसे प्राप्त दिलवा देगा, अचानक आप देखेंगे कि आपको पैसे कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं, उस दृष्टि से अच्छी है, अच्छी बात है। लेकिन आपको अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी रहेगी क्योंकि लग्नेश होकर के अष्टम में आ रहे हैं, तो जो लोग डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डाटा एनालिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई भी आपका गुप्त कार्य है, रिसर्च है, अकल्ट है, रहस्य विद्या से इन सब ऐसा कुछ काम है, तो वो तो आपको ये शुक्र फायदा करा देंगे। अदरवाइज आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना है, लड़ाई झगड़े से बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा। और जो आपकी मदर है उनकी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में शरीर को उतार चढ़ाव हो जाए, ऐसी संभावनाएं भी आप लोगों के लिए बन सकती हैं। और ओवरऑल आपके लिए औसत गोचर कहा जाएगा, पैसों की दृष्टि से ठीक है, आपको सडनली कुछ फाइनेंशियल गेन भी करवा सकता है क्योंकि लग्न का लॉर्ड है अष्टम में बैठ के नीति को देख रहा है, फिर भी एवरेज गोचर आपके लिए कहा जाएगा। हाँ ये है कि चूंकि यहाँ पर बुध भी बैठे हुए हैं तो ये थोड़ा बहुत आपको पैसों से रिलेटेड रिजल्ट दे सकते हैं। मिथुन के लिए बात करते हैं तो आपके 7th हाउस में आ रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, 7वें भाव से शुक्र रिजल्ट बड़े अच्छे करते हैं, यहाँ बैठ करके ये आपके व्यक्तित्व में एक सौम्यता देने का काम करेंगे। चलो किसी तरह के रिलेशनशिप में है वो यहाँ पर मैरिज की भी प्लानिंग करेंगे, मतलब मन करेगा उनका कि विवाह किया जाए, तो उस दृष्टि से अच्छी है, अच्छी बात है। कुछ आपके खर्चे हो सकते हैं, पैसे आपके खर्च होंगे, वो पैसे आपके या तो आप अपने बिजनेस के ऊपर पैसे खर्च कर दें या कुछ आप कहीं घूमने जाएं, ऐसी चीजों के ऊपर आपके पैसे खर्च होने के बड़े प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। और ये टाइम पीरियड रहेगा जो आईटी से जुड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कुछ भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, कोई भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ के कोई क्रिएटिविटी करते हैं, उन सब क्षेत्रों में आपको ये शुक्र बहुत फायदा कराएगा। और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंधों को भी ये बहुत अच्छा करेगा, मजबूत करेगा, आपको ये पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करेगा, आपको ये हर एक तरीके से लाभ देने का प्रयास करेगा।
सावधानी आपको सिर्फ एक चीज की रखनी रहेगी कि या तो आपके पार्टनर के ऊपर पैसे खर्च हो जाए या उनकी सेहत में छिटपुट दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये 12th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं और सप्तम में आ रहे हैं, तो इनको बाद में भाव के भी थोड़े रिजल्ट देने रहेंगे। इस वजह से कर्क वालों के लिए आपके 11वें भाव के और चौथे भाव के मालिक को हो करके ये छठे भाव में आ रहे हैं। देखिए, छठे भाव से शुक्र का गोचर नहीं अच्छा होता है, लेकिन अर्थ त्रिकोण को ये एक्टिवेट कर रहे हैं, तो पैसे वगैरह आपको यहाँ पर दिलवा देंगे, पैसों में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, जो आपका मामा पक्ष है उनके साथ तालमेल बना करके चलिए। लोन वगैरह के लिए अगर आप कुछ चाहते हैं तो अभी उसके लिए प्रयास मत करिए, वहां उतना अच्छा नहीं रहेगा। ये गोचर आपको कुछ यात्राएं भी करवाएगा आपके हाउस रिलेटेड वर्क को लेकर के, या आपके लिए नौकरी वगैरह से जो जुड़े हुए इवेंट होते हैं उनको माध्यम बना करके शुक्र आपको थोड़ी बहुत जर्नीज ही दे सकते हैं। फिर भी आपको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो लोग शुगर रिलेटेड चीजों से ग्रसित होते हैं, क्योंकि शुक्र कई बार क्या होता है कि ब्लड वाली चीजों को ये दिक्कत क्रिएट करता है, मतलब कि आपका शुगर लेवल बढ़ गया, ऐसी चीजें भी करवाता है। गुरु की तरह ही ये भी फिर देते हैं, छठे माह है तो ये थोड़ा बहुत इस तरह की प्रॉब्लम कर सकते हैं, उसका ध्यान रख लीजिएगा। ओवरऑल आपके लिए औसत गोचर ये कहा जाएगा। सिंह के लिए अच्छी स्थिति बन रही है, शुक्र आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, थर्ड के लॉर्ड होते हैं, वसंत के लॉर्ड होकर के आ रहे हैं, तो ये जो स्थिति है शुक्र की, देखिए ये आपको नौकरी बिजनेस चीज वाली चीजों को माध्यम बनाएंगे और क्रिएटिविटी को जरिया बना करके आपको ये फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, ये अच्छी चीज है। जितने भी लोग किसी भी रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं, चाहे आप लिखने पढ़ने कोई भी आपका अपने आप को प्रदर्शित करके काम करना है, कुछ भी आप सिंगिंग है डांसिंग है कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, उन सब चीजों के माध्यम से आपको बहुत ये लाभ करवाएंगे। और जो आपका वर्क प्लेस है जहां पर आप नौकरी करते हैं बिजनेस करते हैं, वहां के साथ के लोगों से थोड़ा सा संबंधों का ध्यान रखिएगा, मतलब कि कोई आपके लिए समस्याएं आपके वर्क प्लेस पे नहीं पैदा करने पाए, ये आपको ध्यान रखना रहेगा। ओवरऑल ये आपके लिए नौकरी में प्रमोशन भी दिलवा सकते हैं, आईटी मीडिया ऑनलाइन क्षेत्रों से ये आपको लाभ भी करवा सकते हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। सरकार से यहाँ पर आपको फायदा भी हो सकता है, अगर आपका जॉब जो है गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके है, ऐसी स्थिति में बहुत लाभ होगा। यहाँ पर आपको रचनात्मक कार्यों से बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप की ओर भी जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र कारक होता है प्रेम का और पंचम में आ रहा है अपने भाव में आ रहा है, पांचवा भाव इसी चीज का होता है, तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। फिर भी आपके लिए ओवरऑल ठीक कहा जाएगा। सिंह के बाद कन्या वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, 4th हाउस में आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये भाग्य के मालिक होकर के आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है। चौथे भाव से गोचर भी शुक्र का बहुत अच्छा होता है, यहाँ इनको दिग्बल प्राप्त होता है, यहाँ बैठ करके ये आपको हर एक तरीके से लाभ देंगे। जितने भी लोग रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना, डीलरशिप का काम कर रहे हैं आप, लैंड को लेकर के मकान, जितनी भी ये हाउस होल्ड चीजें होती हैं, इंटीरियर डेकोरेशन वाला काम है, इन सब चीजों को, यहाँ तक कि जो गाड़ियां होती हैं 4 व्हीलर है 2 व्हीलर है, इनसे जुड़ करके भी अगर आपका कुछ कार्य है तो उन सब चीजों को जरिया बना करके शुक्र आपको बहुत ज्यादा करियर में भी स्टेब्लिश करेंगे, पैसों का भी लाभ करवाएंगे और घर में ये सुख सुविधाओं की वृद्धि कराएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। थोड़ा सा ये आपके पैसे भी खर्च करवा देंगे जब ये सूर्य के नक्षत्रों से जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा वहां पर जो आपकी मदर हैं उनकी सेहत वहां पर दिक्कत हो सकती है, जब ये लास्ट में दशहरा नक्षत्र से जाएंगे, और वो टाइम पीरियड रहेगा जब माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा, खर्चे आपके वहां पर कुछ घरेलू चीजों के ऊपर हो सकते हैं, जैसे कि गाड़ी ले लें, मकान बना लें, कुछ रेनोवेट करा लें, हाउस रिलेटेड चीजों को आप कुछ अच्छे से अपने घर में साज सज्जा के ऊपर पैसे खर्च करें, मतलब कि पैसे भी खर्च करवाएंगे आपके ये शुक्र जो आए हैं चौथे भाव में, लेकिन आपको फाइनेंशियली लाभ भी देंगे। जब ये पूर्वाषाढ़ा अपने ही नक्षत्र से जाएंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, तो आपका जो करियर है उसको भी बहुत सपोर्ट कर देंगे। कन्या वालों के लिए बहुत एक्सीलेंट ये टाइम पीरियड रहेगा शुक्र का। धन के मालिक होकर के चौथे माह हैं, तो यहाँ पर आप अपने धन का निवेश भी करेंगे, मतलब आपके कुछ पैसे जो खर्च भी होंगे बहुत अच्छी चीजों में आपके पैसे खर्च होंगे, दशाएं वगैरह शुक्र की होंगी तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तुला के लिए बात करते हैं, तो आपको तो लग्नेश होते हैं, अष्टमेश होते हैं, 3rd हाउस में आ रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर आकर के देखिए आप काफी मेहनत करेंगे, आपकी यात्राएं होने जा रही है, सबसे बड़ी चीज तो ये है तुला वालों के लिए, इस समय पर आप काफी अच्छी जर्नी करने वाले हैं, हो सकता है कि कहीं दूर जाएं घूमने, तो ठीक है इसका फायदा लीजिए।
और यहाँ बैठ करके आपको फाइनेंशियल गेन भी होगा, ये बहुत अच्छी चीज है सर। आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। आपको यहाँ पर ऐसे सारे कार्य जो शुक्र रिलेटेड हैं उससे आपको शुक्र फायदा करा देंगे। देखिए, तीसरे भाव से शुक्र का गोचर बहुत नहीं अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड में इनको मिथुन राशि का सपोर्ट मिलता है काल पुरुष के हिसाब से अगर आप देखते हैं। और जो भी इनके चूंकि सपोर्टिंग प्लेनेट होते हैं तो, और लग्नेश का तीसरे तीसरे भाव में जाना मतलब कि काफी आप मेहनत करेंगे, आपके अंदर एक बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेने वाली जो क्वालिटीज हैं वो इस समय पर बहुत तेजी से डेवलप होंगी, तो अच्छी बात है। तो मेहनत करिए और आप इसका लाभ लीजिए। जितने भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड काम होते हैं, मीडिया, मास कम्युनिकेशन, IT सेक्टर, या जो भी ऐसे काम जो सिंगिंग वाले काम होते हैं, सब लोग अच्छे सिंगर हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, मीडिया में जुड़े हुए हैं, उस सब लोग यहाँ पर शुक्र बहुत फायदा करवा रहे हैं। और ये आप लोगों के लिए पैसे भी दिलवाएंगे। पैसे दिलवाने का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अच्छे से आपको शुक्र यहाँ पर स्टेब्लिश करेंगे जब ये उत्तरषाढ़ा नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे। और ये समय रहेगा क्योंकि आपके अष्टम आठवें भाव के भी मालिक हैं, थोड़ा आप अपने छोटे भाई बहनों की सेहत का ध्यान रख लीजिएगा। जब ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से जाएंगे तो चूंकि अष्टम भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, तो सडन जो खर्च हो जाना, अचानक से जो स्थितियां थोड़ी सी दिक्कत देने लगती हैं, उस तरह की गतिविधियां भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो आप लोगों के लिए देखिए, शुक्र ग्रह जो होता है सातवें भाव का मालिक बनता है आपके, और बारहवें भाव का मालिक बनता है, दोनों की लॉर्डशिप ले करके ये पहुंच रहे हैं सेकंड हाउस में। तो यहाँ पर दो तरह की संभावनाएं बनेंगी, एक तो आपको खर्चे भी करवाएंगे शुक्र यहाँ बैठ करके, और वो खर्चे आपके फैमिली रिलेटेड मैटर के ऊपर होंगे। दूसरा, यहाँ पर आपको अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के माध्यम से कुछ फाइनेंशियल गेन भी होंगे। तो जहाँ एक ओर आपके खर्चे हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आपको पैसों की प्राप्ति भी हो रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। जब ये शुक्र के ही नक्षत्र से जाएंगे तो आपको फाइनेंशियली अच्छा लाभ दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा आप अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाइफ पार्टनर की लॉर्डशिप लेकर के अपने भाव से अष्टम में जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वहां पर दिक्कत दे सकते हैं। मतलब कि सेहत का ध्यान रख लीजिएगा, संबंधों का ध्यान रख लीजिएगा, खर्चे आपके अवश्य होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ आपको फायदा भी होगा। मतलब एक और खर्च हो रहा है, खर्च जो होंगे वो आपके फैमिली रिलेटेड मैटर के ऊपर हो सकते हैं, घर में कोई अच्छे काम हो जाना, क्योंकि सेकेंड हाउस क्या है, फैमिली का है, कुटुंब का है, तो उन्हीं के ऊपर तो आप अपने पैसे खर्च करेंगे ना। ये भी हो सकता है आप कुछ सामान यहाँ पे खरीद लें, कोई ज्वेलरी वगैरह खरीद लें, कोई ऑर्नामेंट खरीद लें, क्योंकि शुक्र इसके कारक होते हैं डायमंड के, तो ये सब चीजें आपके साथ में करवा सकते हैं। और जब ये सूर्य के नक्षत्र से जाएंगे तब आपको अपने बिजनेस, अपने सर्विस के द्वारा आपको जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर पैसे भी प्राप्त हो सकते हैं, और इसी के साथ आपके प्रोफेशन वाले एरिया में कुछ प्रमोशन हो जाना, कुछ आपका बिजनेस अच्छे से और बड़ा हो जाए और अच्छा हो जाए, ऐसा कुछ भी आपको हो सकता है। सेकेंड हाउस से बहुत अच्छे रिजल्ट्स करते हैं शुक्र इसलिए, और गुरु से दृष्टि भी है, तो गुरु चूंकि नौवीं दृष्टि से देख रहे हैं अपने घर को, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उनको बिजनेस के माध्यम से या दूर स्थान से विदेशों से जुड़ करके कुछ फाइनेंशियल गेन भी हो जाए। तो खर्चा और पैसा मिलना दोनों साथ में हो रहा है। धनु वालों के लिए लगन स्थान में ये सब कुछ हो रहा है। मालिक बनते हैं आपके छठे भाव के, ग्यारहवें भाव के, देखिए दोनों ही उपचय भाव होते हैं, उसकी लॉर्डशिप लेकर के लग्न में आ रहे हैं। चूंकि ये सौम्य ग्रह हैं, लेकिन लग्नेश के ये बहुत अच्छे संबंध इनके नहीं है गुरु के साथ, मतलब एक न्यूट्रल सा संबंध है। गुरु और दो गुरु हैं तो कैसा, एक अंदर ही अंदर एक वो रहेगा, जैसे कि दो टीचर होते हैं, ना तो एक दूसरे की बुराई करेंगे ना एक दूसरे की तारीफ करेंगे, इस तरह का रिलेशन होता है। यहाँ आने में सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पैसे आपको प्राप्त करवा सकते हैं, अचानक से आपको सरकार से लाभ हो जाए, पैसे मिल जाए, इस तरह की गतिविधियां होंगी। फादर के द्वारा आपके लिए कुछ सपोर्ट मिल सकता है, जो लोग स्टडीज करते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन सेहत का आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि ये आपके छठे भाव के भी लॉर्ड होते हैं, तो हेल्थ में रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर किसी के साथ शत्रुता मोल लेना, वाद विवाद, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, जितने भी डिस्प्यूट वाली चीजें होती हैं उससे आपको बचाव करना चाहिए। और पैसे आपको जरूर यहाँ पर मिल जाएंगे, उस दृष्टि से अच्छा है। और जब ये शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ से जाएंगे वहां पर सेहत का जरूर ध्यान रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए आपके बारहवें भाव में शुक्र आ रहे हैं, योग कारक ग्रह होते हैं,
फिफ्थ के और टेंथ के डॉट होकर के 12वीं में जा रहे हैं। देखिए 12वीं भाव से शुक्र का गोचर बड़ा अच्छा होता है, तो सबसे पहले तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है जो लोग बाहर जाकर के पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। वहां पर आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी, स्टडीज में सपोर्ट कर देंगी। जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में, या आपका काम ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है, उन लोगों के लिए भी फायदा हो जाएगा। जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़ करके काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, शोध के विषय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ठीक रहेगा। जबकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र से जाएंगे, जब भी पूर्वाषाढ़ से जाएंगे, तो वहां पर आपके लिए पढ़ाई लिखाई, बच्चे, क्रिएशन, इन क्षेत्रों से लाभ देने का काम करेंगे। यहाँ पर आप अपने प्रोफेशन की वजह से या स्टडी की वजह से कुछ सडन आपको यात्राएं भी देखने को मिल सकती हैं। प्रोफेशनल टूर आपको यहाँ पर हो रहे हैं और आपके लिए अच्छा रहेगा, करियर के हिसाब से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके जिनकी मूलकोड़ राशि है वहां से ये तीसरे होकर के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करा करके और प्रोफेशन में लाभ देने का काम करेंगे। पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से अच्छा है। जिनके बच्चे छोटे हैं उनकी सेहत का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, या जो स्टूडेंट हैं पढ़ रहे हैं फोकस पढ़ने पे लगाते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा सा आपको डिस्ट्रक्शन भी दे सकता है, क्योंकि ये पंचम का लॉर्ड है आपके, तो संतान है, शिक्षा है, बुद्धि है, प्रेम संबंध है, उन सब चीजों की लॉर्डशिप लेकर के अपने भाव से ये अष्टम होकर के जा रहा है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं अगर आप गलत गतिविधियों में खुद को इन्वॉल्व करेंगे वहां पर ये आपको नुकसान दे सकता है। अगर पढ़ाई पे आप फोकस करेंगे तो आपको पढ़ने के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज भी ये शुक्र जो है ला करके आपको दे सकता है। ओवरऑल आप लिए काफी अच्छा है। कुंभ के लिए बात करते हैं तो आपके 11वें भाव में आ रहे हैं, अच्छी बात है। 11वें भाव से शुक्र का गोचर बहुत अच्छा होता है, मालिक बनते हैं आप लोगों के लिए ये भाग्य के और चौथे भाव के। तो किन्नर त्रिकोण की लॉर्डशिप लेकर के आ रहे हैं, लाभ भाव में पैसे आपको प्राप्त करवा देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है, गवर्नमेंट से फायदा हो रहा है। यहाँ पर ये आपके बिजनेस से संबंधित चीजों को कनेक्ट करके और आपको फाइनेंशियली ये बहुत सपोर्ट कर देंगे। जब ये सूर्य के नक्षत्र से जाएंगे उत्तराषाढ़ से, वहां आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिए भी अच्छी स्थितियां निर्मित होंगी। उनको यहाँ पर लाभ हो रहा है, उनके काम में प्रोग्रेस हो रही है, उनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिल रहा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर से आपको यहाँ पर फायदा हो जाएगा, जो भी आपके घर से संबंधित कार्य हैं उसका आपको लाभ यहाँ पर हो जाएगा। आप यहाँ पर स्टडीज की वजह से, लिखने पढ़ने की वजह से भी थोड़ी बहुत जर्नीज करते हुए खुद को पाएंगे, जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, क्योंकि आपके 9 के लॉर्ड हैं और अपने भाव से तृतीय में जा रहे हैं, तो यात्राएं भी आपको हो सकती हैं, चाहे आपके फैमिली मैटर्स को लेकर के, या आपके कोई रिलीजियस ट्रिप है या स्टडीज रिलेटेड टूर्स हैं, सब चीज को जरिया बना करके शुक्र आपको यात्राएं भी करा रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा आपको यहाँ पर फाइनेंशियल गेन हो रहा है, गवर्नमेंट से फायदा हो रहा है, कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप वगैरह की ओर भी आप बढ़ सकते हैं, कोई भी आपका क्रिएटिव कार्य है वहां से आपको फायदा करवा सकते हैं, तो आप इसका लाभ लीजिए, बहुत एक्सीलेंट है आपके लिए। फिर बात करते हैं मेन वालों के लिए। शुक्र देखिए आपके अष्टम के वाले होते हैं और थर्ड के लॉर्ड होकर के आ रहे हैं आपके 10th हाउस में, तो यदि आपका प्रोफेशन ही शुक्र से रिलेटेड है, जैसे कि आप किसी भी फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, जो लेडीज रिलेटेड आप काम होते हैं वो सब चीजों से जुड़े हुए हैं, तब तो बहुत अच्छा है, वहां आपको शुक्र नहीं परेशान करेगा बल्कि सपोर्ट कर देगा। लेकिन कोई आपका ऐसा काम है जो शुक्र से संबंधित नहीं है, वहां पर आपको अपने जॉब में सडन चेंजेस नहीं करना चाहिए, मतलब कि अचानक से यहाँ पर कुछ बदलाव हो जाना प्रोफेशन में, तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम के मालिक हैं ये और आपके 10th भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो अचानक से परिवर्तन, जॉब का ट्रांसफॉर्मेशन होना करना, इस तरह की स्थितियां होंगी, तो बिना सोचे समझे जॉब में कोई बदलाव मत कर लीजिएगा। एक जॉब छोड़ के दूसरा पकड़ना, एक बिजनेस करना है छोड़ के बंद कर दिया दूसरा कर, ये सब काम मत करिएगा, छोटा सा टाइम पीरियड इसको निकाल लीजिएगा। इसी के साथ जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं वहां बहुत मैच्योरिटी के साथ में रहिएगा, आप कान खोल करके रहिएगा, वहां पर लोग आपकी पीठ पीछे आपके लिए कुछ पॉलिटिक्स करें, या आपकी इमेज को, या आपके जो आपकी वर्क लाइफ है उसको कहीं लोग नेगेटिवली प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। चाहे आपके साथ काम करने वाले लोग हैं या आपके बॉसेस हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा सा रिलेशन को अच्छा बना करके रखिएगा। बाकी आपके लिए मेहनत काफी आपकी बढ़ने वाली है, जो भी आपका काम है उसमें आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ने वाला है, प्रेशर बढ़ने वाला है, उसको आप अच्छे से फेस करिए और उसका फायदा लीजिए। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनके
काम का नेचर ही रिसर्च को लेकर के, मतलब कि आप कुछ ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जिसमें बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करना है, कोई प्रोडक्शन टाइप का काम है, मतलब कि फोर्थ हाउस रिलेटेड अगर आपका प्रोफेशन, सॉरी एट्थ हाउस रिलेटेड अगर आपका प्रोफेशन है, वहां पर ये शुक्र का ट्रांजिट आपको बहुत मदद कर देगा, आपको फायदा करवा देगा। ये टाइम पीरियड उन लोगों को बड़े अच्छे रिजल्ट देगा जब ये उत्तर श्रावण नक्षत्र सूर्य से जाएंगे, यहाँ पर आपको न्यू जॉब मिलना, जॉब में प्रमोशन होना, ऐसे इवेंट भी देखने को मिलेगा, मतलब कि आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। तो बहुत से मीन वाले लोग जो जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके जिनका प्रमोशन ड्यू होगा, जब ये शुक्र जाएगा उत्तर श्रावण नक्षत्र में, तो आपके छठवें हाउस करके वेट कर देगा, और दसवां भाव होता ही सर्विस का है, जॉब मिलना, प्रमोशन होना, ऐसे इवेंट भी हो सकते हैं। फिर भी करियर को लेकर के और साथ के लोगों को, साथ जो संबंध होता है वर्क प्लेस में, उन सबका ध्यान रखिएगा। इस तरह से अगर मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों को आप देखते हैं, तो यहाँ पर जो अच्छे रिजल्ट्स, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, वो मेष को मिल सकते हैं, मिथुन है, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, मकर है, कुंभ है, इन लोग को काफी एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जितने बची हुई राशियां हैं उनको भी ओवरऑल रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये जो कनेक्शन बन रहा है शुक्र का धनु में जाना, तो जो इनके आपस के हाउसेस के कनेक्शन है वो अच्छे हैं, बैकग्राउंड में हमेशा जो रिजल्ट आता है वो काल पुरुष का ही आता है, आपकी लग्न या राशि कोई भी हो उसे उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो जिन लोगों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह है, आप अपने शुक्र को अच्छी स्ट्रेंथ दीजिएगा उनके मंत्रों का जप करके, ओम शुम शुक्राय नमः, जो सबसे साधारण मंत्र होता है, और अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करके, स्त्रियों का सम्मान करके, बच्चियों को बहुत प्रसन्न करके, और रहन सहन बहुत अच्छा रखना, साफ सफाई से रहना, हमेशा परफ्यूम डियो यूज करना, मतलब शुक्र क्या है, सौंदर्य है ना, जो सेंसिटिविटी है वो शुक्र है। तो अपने आप को ऐसा बनाइए, अपने नेचर को ऐसा डेवलप करिए, उसे शुक्र आपका ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। आप अपने खुद का ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से रहिए, साफ सुथरे रहिए, घर को नीट एंड क्लीन करके रखिए, अच्छे से आप बोलिए, फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए, क्योंकि शुक्र के पास सेकंड हाउस की राशि है वृषभ, परिवार के सदस्यों का ध्यान रखिए, खान पान अच्छा रखिए, लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े मत करिए, आपका शुक्र ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सप्तम का मालिक है, लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, आपका व्यापार बिजनेस अच्छा चलेगा। देखिए रेमेडीज कितनी बढ़िया मिलती हैं, शुक्र कैसे ठीक होगा, जो उसके हाउस के कारकत्व है उसी को ले लीजिए, उन चीजों को अपने नेचर में लेकर के आइए, फिर देखिए शुक्र कितना अच्छा होता है। और इसी के साथ साथ आप लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की, लक्ष्मी स्त्रोत सुन सकते हैं, और जितनी भी स्त्रियां होती हैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान करिए, बहुत ज्यादा, उससे शुक्र अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। और जिनके लिए अकारक ग्रह है शुक्र, मंत्र जाप आप कर सकते हैं, लेकिन शुक्र को वहां पर बहुत ज्यादा बल देने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इन जनरल वीनस को अच्छा रखना ही चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी को देने वाला ग्रह होता है, मतलब आप उनको बहुत मेहनत करके स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखिए, क्योंकि शुक्र अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं धन वैभव संपत्ति ये सारी चीजें आप लोगों को मिल सकती हैं। आशा करती हूँ कि शुक्र के धनु राशि में जो प्रवेश का क्या परिणाम हो सकता है इसको आप लोग समझ पाए होंगे, और एक बार फिर आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इसी के साथ जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखा करिए, जिसमें कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाया करे, और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।